नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब देखते हैं न्यूज हाइलाइट्स। तेंदुए के खाल और भालू के पित्त के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। अलीपुरद्वार के जयगांव थाना की पुलिस व हैमिल्टनगंज रेंज के वन कर्मियों ने भूटान सीमा से तेंदुए की खाल और भालू के पित्त के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जयगांव थाने के सूत्रों के अनुसार उत्तर 24 परगना जिले के जय विजय राय नामक एक व्यक्ति बैग में तेंदुआ के खाल और भालू का पित्त लेकर जा रहा था। व्यक्ति पर 24 परगना के हबड़ा काशीपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। रविवार की शाम को वह हासीमाड़ा पहुंचा और इस क्षेत्र में घूम रहा था। पुलिस को संदेह होने पर पुलिस ने उसकी जांच की और व्यक्ति के गिरफ्तार करते हुए उसके बैग से भालू की पित्त के साथ तेंदुए के खाल को बरामद किया। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। नदी में डूबा बच्चा हुआ लापता, इलाके में तनाव। सिलीगुड़ी संलग्न माटीगारा दो पतिराम जोत क्षेत्र के रणदीप कॉलोनी में नदी में नहाते समय एक बच्चा डूब गया। इस घटना से पूरे इलाके में तनाव छाया हुआ है। घटना की खबर मिलते ही नदी किनारे स्थानीय लोगों की भी भीड़ जुट गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। खबर पाकर माटीगारा पुलिस मौके पर पहुंची, तलाशी अभियान शुरू हो गई है। वहीं एनडीआरएफ की टीम को भी उतारा गया है। सड़क हादसे में मोटरसाइकिल चालक की मौत। सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना रविवार को कुचबिहार एक प्रखंड के शुक्तिबारी ग्राम पंचायत के बाड़ाबारी क्षेत्र में हुई है। मृतक का नाम रफीकुल हक बताया जा रहा है और वो उसी इलाके का रहने वाला है। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जाँच शुरू कर दी है। एशिया कप के सुपर हीट मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराया। पूरे शहर ही नहीं पूरे देश भर में जीत का जश्न। एक बार फिर मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराया है। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में एक जबरदस्त मैच देखने को मिला। पाकिस्तान यहां भारत से 5 विकेट से हार गया। एशिया कप के सुपर हीट मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। रविवार को दुबई में खेले गए इस मैच में आखिरी ओवर तक जंग देखने को मिला, लेकिन आखिरकार भारत को जीत मिली। इस मैच में जब भारत ने पाकिस्तान को हराया तो पूरे देश के साथ साथ सिलीगुड़ी वासी भी खूब जश्न में शराबोर हो गए। शहर के लोग धूमधाम से जश्न मनाने लगे और इसके साथ ही साथ शहर के हाशमी चौक यानी वेनस मोड़ में भी जश्न का माहौल देखने को मिला और लोग तिरंगे को लहराते हुए झूमते हुए दिखे। जलपाईगुड़ी में सोमवार की सुबह से ही हो रही भारी बारिश के कारण इलाके में जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार की सुबह से ही भारी बारिश हो गई। सुबह से ही लेकर बारिश के कारण जलपाईगुड़ी शहर के विभिन्न इलाकों में पानी भर गया। सप्ताह के पहले दिन की सुबह जलपाईगुड़ी के सड़कों पर जलजमाव की स्थिति बन गई। सड़कों पर पानी भर आने के काम पर जाने वाले आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मालदा में भू माफियाओं पर आदिवासी समुदाय का जमीन हड़पने का लगा आरोप, सियासी घमासान शुरू। कुछ स्थानीय भू माफियाओं पर आदिवासी समुदाय के एक हिस्से की जमीन हड़पने का आरोप लगा है। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि किसान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद भू माफियाओं द्वारा जमीन के मालिक को कथित तौर पर धमकाया जा रहा ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही इस घटना में सियासी रंग भी जुड़ने लगे। यह सनसनीखेज घटना मालदा थाना क्षेत्र के शाहपुर ग्राम पंचायत की बता रही है। हालांकि कुछ पार्टी के रंग भी इसमें देखने को मिल रहे, लेकिन सभी से इतर पुलिस घटना की जांच कर रही है। 1.5 महीने बाद कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच मालदा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन की पहल पर डीएसएस स्टेडियम को ब्राजील, अर्जेंटीना, पुर्तगाल के कपड़े के रंगों से सजाया जा रहा है, जहाँ मैच के दौरान हर दिन उन टीमों के समर्थक गैलरी में बैठेंगे और विशाल स्क्रीन के माध्यम से फुटबॉल विश्व कप देखने के अत्यधिक उत्साह का आनंद लेंगे। मालदा में डीएसए मैदान को पहले ही राज्य खेल विभाग की मदद से सजाया जा चुका है। इसमें डीएसए मैदान की गैलरी का खास इंतजाम किया गया। यहां ब्राजील, अर्जेंटीना, पुर्तगाल जैसे कुछ मशहूर देश का रंग रूप लेकर आया गया है। 2 दिवसीय उत्तर बंगाल ओपन कराटे प्रतियोगिता आयोजित अलीपुरद्वार में। 2 दिवसीय उत्तर बंगाल ओपन कराटे प्रतियोगिता का आयोजन अलीपुरद्वार के कालचिनी प्रखंड के हैमिल्टनगंज स्थित नेताजी भवन में किया गया। रविवार को प्रतियोगियों का फाइनल मुकाबला था और इसके बाद
प्रतियोगियों का पांचवा साल था। इस प्रतियोगिता में अलीपुरद्वार, कूचबिहार, सिलीगुड़ी, वर्धमान सहित राज्य के विभिन्न जिलों के प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर निकाली गई रंगारंग रैली। तृणमूल छात्र परिषद के 28 अगस्त को स्थापना दिवस पर रविवार को इटहार में पार्टी का झंडा फहराकर जुलूस निकाला गया। कार्यक्रम उत्तर दिनाजपुर जिले के इटहार के विधायक मुजफ्फर हुसैन के निर्देश पर इटहार प्रखंड तृणमूल छात्र परिषद और प्रखंड तृणमूल कांग्रेस के पहल पर आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम रंगारंग रही इटहार सदर चौरस्ता क्षेत्र के बस टर्मिनस स्थित ब्लॉक तृणमूल पार्टी कार्यालय से शुरू होकर पूरे सदर क्षेत्र की सड़कों की परिक्रमा की। आज के न्यूज हाइलाइट्स में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स परनामी मंदिर रोड में ASGI हॉस्पिटल के पास में है। हम लोग यहाँ पर ये दरवाजा बनाते हैं। दिस डोर्स आर कस्टमाइज्ड डोर्स, योर टेस्ट, योर कलर, योर डिजाइन। 3D डिजाइन्स भी पॉसिबल है। दिस आर बिटवीन अ प्राइस रेंज ऑफ 4,000 to 6,000 रुपीज। दिस ऑल कैरीज अ वारंटी ऑफ 5 years। वी डू 3D कार्विंग ऑन द डोर। ये टीकूड डोर है, 100% प्योर टीकूड। हार्डवुड में भी दरवाजे बनाते हैं हम लोग। इसके अलावा फ्लावर पैटर्न डेकोरेटिव डोर्स भी बनाते हैं। दिस ऑल आर PU पॉलिश्ड। दिस इज अ रियल पाइनवुड डोर। ये रॉ डोर है, ये हार्डवुड से बना हुआ है। नॉर्थ बंगाल की होलसेल की सबसे बड़ी दुकान, जहां मिलेगा आपको आपकी जरूरत की सारी सामान। पूजा के इस पावन अवसर पर राजधानी गारमेंट्स लाया है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर, आगरा, सूरत के लेटेस्ट गारमेंट कलेक्शंस और फुटवेयर। यहां 2% इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ पाइए कूपन वाउचर, जिसमें जीत सकेंगे 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन। तो देर किस बात की, सीधे चले आइए राजधानी गारमेंट्स, गौरी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 7477786365। अपने घर को एक स्मार्ट और सुंदर बनाने के लिए हैवेल्स प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। अपने घर की सजावट उभारें स्मार्ट लाइटिंग द्वारा। हैवेल्स इलेक्ट्रिकल्स की नई रेंज पेश करता है सजावटी पंखे, LED लाइटिंग, किचन और होम एक्सेसरीज, मॉड्यूलर स्विच, एयर कूलर, एयर प्यूरिफायर और बहुत कुछ। इलेक्ट्रिकल्स में गुणवत्ता, सुरक्षा और सुविधा के लिए एक ही नाम, हैवेल्स। विजिट करें महावीर इलेक्ट्रिकल्स, NX हैवेल्स गैलेक्सी जेमहाउ, बिसाइड उत्तर बंग मारवाड़ी भवन, सेकेंड माइल, सिलीगुड़ी। ₹6 मा 1 करोड़ सच्ची किन्न होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल ₹6 मा अनि जित्नु होस पहिलो पुरस्कार ₹1 करोड़। कालेबुङको लामाडाँडामा अवस्थित लामाडाँडा होमस्टे सिलगढीबाट मात्र 2.5 घण्टाको दूरीमा छ। मनोरम प्राकृतिक दृश्यसँगै रमाउन अनि सहरी व्यस्तताबाट केही दिन राहत पाउन यो उत्तम ठाउँ हो। यहाँबाट तपाईँले कञ्चनजङ्घाको दृश्य साथै सुन्दर सूर्योदय पनि देख्न सक्नुहुनेछ। होमस्टेको अतिथि सत्कारले तपाईँलाई आफ्नै घर जस्तो महसुस गराउनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा छुट्टी बिताउनलाई एकमात्र लामाडाँडा होमस्टे। सम्पर्क नम्बर 9547151001। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हैवेल्स गोल्ड मेडल, RR कैबेल्स, क्रेबट्री, लेग्रेंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर 8760 830 848 58।